यू व्हाट इज अप यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आ चुके हैं हम लोग अपनी गेम प्ले सीरीज के अंदर, तो जिसके अंदर अभी हम लोग का प्लान है फिलहाल तो जॉर्जो पोल जाने का, बिकॉज आजकल कहाँ बंदे आएंगे तो जॉर्जो पोल ही जाएंगे। और ये जो है ये थोड़ा पुराना गेम प्ले है, तो जैसे कि आपको पता है मेरी वीडियो 2 हफ्ते से नहीं आ रही, तो ऑफकोर्स 2 हफ्ते पुराना ही होगा, तो पुराना ही है। और आप लोग थोड़ा बताना कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं क्वालिटी उनका, मैं तो थोड़ा कमेंट करके यार बताया करो, जिससे कि मेरे को क्या है ना कि पता चल जाता है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, नीचे जो लाल बटन है उसको दबाना मत भूलो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दो, ऑल पे कर दो, वरना आपका जो सब्सक्राइब करना है वो बेकार चला जाएगा। यहाँ पे तो जॉर्ज पोल हम लोग जा रहे थे, हमें पता था कि बंदे आएंगे, थोड़े बहुत तो आएंगे ही आएंगे, तो हम लोग थोड़ा बहुत देख रहे थे बंदे कहाँ हैं और किधर हैं और क्या हैं, क्योंकि हमें उन लोग की हजामत करनी है। तो हम लोग ये कंटेनर तो उतर गए। अब देखो ये सबसे बेकार चीज पहली बात तो कुछ रेंडर ही ना होता। हाँ हाँ, मतलब कंटेनर से रेंडर नहीं हो रहा, कंटेनर साइड में है, बट ये है कि रेंडर नहीं हो गया। अब यहाँ पे तो मेरे को डर लगा था यार गन नहीं मिली तो लग जाएंगे, गन मिल जाए यार, गन मिल जाए, गन के नाम पे तो तुम्हें घंटा कुछ मिलेगा। तो इसके साथ मैंने सोचा कि इधर लूट ही लेते हैं वेयर हाउस में, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और इस वेयर हाउस में क्या मिला, फ्लेयर गन अभी चलाना भी बेकार था तो मैंने चलाई नहीं। और यहाँ पे मेरे को क्या मिली, शॉर्ट गन मिल गई, कुछ नहीं से तो कुछ तो मिली। और ये जो नंबर 3 था हमारा, मैंने इससे बोला भाई आ जा मेरे साथ, बट ये क्या ही बोलूँ, मैं इसको कुछ बोल ही नहीं सकता। अब यहाँ पे बंदे थे, अब मैंने बोला भाई जल्दी आना, कहाँ चला गया। फिर मैंने देखा ये तो 1-2 चला गया, मैंने बोला अबे क्यों गया उधर, मैंने सोचा कि मेरे को हैंडल करना होगा, मेरे को 1v2 मारना ही होगा, इसने मेरे को मजबूर कर दिया। मैं सोचा इसको जिंदा क्यों छोड़ूं, खा ही जाऊंगा इसको भी क्यों छोड़ूं, इसका कितना नसीब खराब है। देखो तो जैसे ही गन मिला इसको, ये एमओ नहीं उठा पाया, बस एमओ उठा ले तो सारा मेरे को ही खा जाता। तब बहुत अच्छी बात है, इसने खाली गन उठाई, इसको एमओ नहीं मिली, वो बहुत एक अच्छी बात हुई। बट इसने 2 गोली क्यों खेली, अच्छा इसके पास वेस्ट दोनों था इसलिए इसने 2 गोली खेली, देखो इसकी वेस्ट कोई डैमेज है इसीलिए। अब यहाँ पर तो हमें मिल गया एमओ और रेड डॉट भी मिल गया, जो कि स्कारल बहुत ही अच्छा चल रहा है यार। आप लोग कभी M4 छोड़ो यार, कभी स्कारल और रेड डॉट भी चला कर देखो क्या मज़ा आता है, बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे इसको मैंने कैसे मार दिया मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब ये पूरा प्री फायर का शिकार हो गया मेरे, मैंने बस प्री फायर दिया और ये शिकार हो गया। वो बात अलग है कि मैंने अभी खुद उठा लिया M4, वो मैंने इसे उठा लिया स्कॉडर वाले टाइम, थोड़ा रिकॉल बस ज़्यादा है, बट ऐसे चलती गाड़ी में बंदे तो यही उतारेगी यार जो भी हो। और यहाँ पर अभी हमारे 3 किलो हो चुके थे, सब रियल ही मारे हैं अभी तक, बिना कोई बॉट मारे हमारे 3 किल हो चुके हैं। अब हमें तलाश थी और बंदे की, कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है, और हमें थोड़ा एमओ भी चाहिए था क्योंकि अभी एमओ की भी कमी थी। तो यहाँ पे पहले मैंने हीलिंग वीलिंग दी अपने बंदे को, चलो ना मारता है ना लूटता है, उसको मैंने दे दी हीलिंग वीलिंग, खाली किल चलाता है, बॉट किलर है, हैशटैग बॉट किलर #3 इन द चैट गाइस इन द कमेंट। यहाँ पे मैंने उस बंदे को जैसे डैमेज दिया, मैंने बोला भाई जल्दी जाओ यार, जाओ ना मतलब जाने दो यार, लेकिन तब भी अब यहाँ पे तो मेरे को पता था कि यहाँ पे इस बंदे को मैंने ऑलमोस्ट मैंने ही ज़्यादा डैमेज दिया, और यहाँ पे #2 की भी ज़्यादा हेल्प नहीं बची, बट मैं मेरा काम था कवर फायर देने का, तो मैंने वो कवर फायर दिया उसको। गाइस आप लोग ऐसा कोई रोल मत रखा करो, अगर आप कॉम्पिटिटिव या फिर आप सबके साथ ही खेलो, ऐसी कोई
कर सकते हैं आप। वो तो आज हमारे साथ किल भूखा नहीं है, तो हमारे किल होंगे आज स्क्वाड में भी, हमारे किल होंगे क्योंकि आज किल भूखा नहीं खेल रहा। आपको आप में से ज़्यादातर तो लोग समझ गए होंगे, और किल भूखा खुद देख रहा होगा तो वो भी खुद समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको मानना सही समझा, अब वो बंदा मतलब इतनी जल्दी पीछे की तरफ कैसे पहुंचा मेरे को नो आइडिया यार, बट जो भी आखिर में हमें एक और किल मिल गया। स्क्वाड में आपको चार किल मिल गए हैं, बहुत ही अच्छा है। अभी के लिए मतलब शुरू में अगर आपको स्क्वाड में रियल चार किल मिल गया, वहाँ पे छोटे आपको पता है हमारे पास फ्लेयर गन थी तो मेरे को चलानी थी, तो मैंने यहाँ पर चला दी। मैं बोला यहाँ पर ही चलाएंगे यार, तो यहाँ पर चलाने का एक सिंपल सा रीज़न था क्योंकि ये कंपाउंड जोन के अंदर भी था, और प्लस यहाँ पर बंदे भी आ सकते थे और हमारे पास एक था। और यहाँ पर भाई इसमें तो हम मेरे को लेने की यार शॉट गन के बदले में हम लेंगे और क्या पोल मचाएंगे यहाँ पर। मैंने अभी ये मैंने जैसा कि आपको बताया शुरू का गेम प्ले है, तो पुराना गेम प्ले है, तो सब रैंक पुशिंग कर रहे हैं, कोई ड्रॉप पर किसी का जाने का मूड नहीं है। यहाँ पे तो हम खाली कोचिंग की साइड देखते रह गए बट इधर कोई लिटरली कोई नहीं। और गाइस क्या आप चाहते हो कि मेरी क्या कोई वीडियो में जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, तो उसकी क्या कोई एक टाइमिंग करें क्या? अगर हाँ तो मैं आई बटन पे एक लिंक दूंगा, आप देखो आई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ऊपर में, ऊपर हाँ जो अरे आई बना हुआ है, आई लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो और मेरे को बताओ। अच्छा वहाँ पर तो उन्होंने छोड़ा बॉट की छीना गया, वहाँ से चुरा लिया गया बनता है ना चोर है हमारा। तो यहाँ पे तो हम किल, तो मैं नहीं चाहता था आपको एक किल मिले, मैंने सोचा चलो थोड़ा और मेरे को किल मिले तो और बंदे खोजते हैं। और इसमें तुम देखना सवाल मैंने ऐसा भी खेल है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम भी बोलोगे हाँ भाई अब हमें भी ऐसे ही खेल लेने हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश थी बंदे खोज के फिर उन लोग को निपटाने की, बट बंदे ही नहीं मिल रहे थे यार। मतलब मैं तो आपको बहुत दिन कार्ड दिया क्योंकि हम लोग बहुत देर से यहाँ पे घूम रहे हैं यार, ये हम लोग का दूसरे तीसरा राउंड है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सीन यहाँ पे पार्ट कट कर दिया क्योंकि क्या करें एक ही जगह पे बार बार घूम रहा है कोई मिल नहीं रहा है। मात में बच्चिया हो चुकी है जो भी हो चुकी है, मतलब माता खराब हो चुका है। अब यहाँ पे और कोई बट क्या करें यार कोई मिलता नहीं, ऐसा हमारे साथ ही होता है हमें पता नहीं, बट मिलता है बट नहीं मिलता है ये समझ में नहीं आता क्या चल क्या रहा है यार। यहाँ पे भी गोल 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 गोल। और हाँ गाइस वो मैं बोल रहा था कि आपने टाइम सजेस्ट कर देना, कमेंट करके बता देना, नहीं तो आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, आई बटन के लिंक पे आपको टाइम सजेशन पे मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट में जाके बताओ, या फिर मैं दो टाइमिंग दूंगा दो तरह की तो आप उन दोनों में से एक पे। और यहाँ पे मैं गाड़ी मिल गई थी तो उन लोग का पीछा करने लगे, अब तो मैं पागल हो गया था भाई इसको तो जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मतलब इसको मारूंगा तो मैं ही, अरे हाँ भाई मैं ही मारने वाला हूँ। अब तुम सोचो भाई तू तो ड्राइविंग कर रहा है और भी पता चलेगा, देखो देखो मतलब ड्राइविंग करते करते ही मार दिया। मतलब इसमें मेरे को कुछ ऐसे ऐसे फील मिले जो मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ कैसे मिले। आपको विश्वास हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हुआ तब भी लाइक कर दो, समझ में आया क्या? और मगज में भी आ गया होगा। तो अब मैं कुछ लोग पूछे तो भाई साउंड क्यों नहीं आता उसका, तो वो मैं अभी आपको आगे जाकर बताता हूँ गन साउंड क्यों नहीं आता मेरी वीडियो में। यहाँ पे देखो बस यहाँ पे एक और किल, मैं नहीं चाहता था इन लोग को मिले और ये भी आपको नहीं मिले, बस जल्दी से यार पूजा करो अपने रिफ्लेक्स थोड़ा बहुत तेज कर लो। तो वो रीज़न है क्योंकि मेरे में इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग नहीं है और मैं एक चीज़ करता हूँ तो बात कर सकता हूँ या फिर साउंड रिकॉर्ड कर सकता हूँ यार, तो बात करना तो जरूरी है ना यार, बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा, तो इसलिए यही रीज़न है।
अब तक मेरे को ओम चलाने तो मिली नहीं थी। और आपको भी पता है, सबको पता है कि हमें ओम चलाना कितना ही पसंद है। मतलब कभी मज़ा आ जाता, कभी मक्खन चलती है, कभी बटर चलती है, कभी नान चलती है, बटर नान का अरे जो भी चलती है, बटर नान ओम चलती है हमारी। तो अभी तो नहीं मिला, लेकिन लास्ट में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता था यहाँ पर बंदे, क्योंकि जब हम इस बंदे को निपटा रहे थे तब यहाँ से कोई फायरिंग की आवाज़ आई थी। तो हमें यहाँ पर भी बंदे मिल गए, यहाँ पर भी हमने किल कैसे ले लिया। तो ये यहाँ पे अफसोस एक ही किल मिला मेरे को, मतलब इन्होंने बहुत जल्दी निपटा दिया। पता नहीं नंबर वन क्यों बैठा हुआ था गाड़ी में, गाड़ी फूट जाती तो उसी की करेड बन जाती अब तक। बट कोई बात नहीं, होता अच्छी बात है कि गाड़ी नहीं फूटी। वैसे भी अब खाली एक ही स्क्वाड बची है, तो मतलब चार बंदे में हमें कितने मैक्सिमम दो किल से मिल सकते हैं, और किल भूखे भी तो लोग हैं हमारे साथ। खाली नंबर थ्री को छोड़ के वो बॉट खिला रहे हैं हमारा। जितने भी बॉट आते हैं सारे उसी को दिए जाते हैं मारने के लिए, बिकॉज उसको अपना एक दो का केडी मेंटेन रखना होता है। मजाक करो यार, कोई सीरियस मत लेना इस बात को। तो गाइस सजेस्ट जरूर करना यार टाइमिंग, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे वीडियो डालने में। मतलब उतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ, बट आप लोग को भी तो कुछ टाइमिंग पर ना चाहिए होगा वीडियो, जिससे कि आप लोग को और आसानी हो। तो मैं उस हिसाब से डाल दूंगा। अब से तीन बंदे बचे हैं, एक बॉट को मारा हमारे नंबर वन ने। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक टाइमिंग होनी चाहिए तो परफेक्ट, तो वो टाइमिंग जो है ना वो आप ही बता सकते हो यार। और ना मैं एक नया माइक लेने वाला हूँ, उसमें मैं आप शॉर्ट के मजे ले लो इसको। ये तो लगा नहीं, अब देखो कैसे लगेगा। ले बेटा पार्ट शॉर्ट, तो इसको हमने नॉक कर दिया। अब मेरे को लगा कि वहाँ पे इन लोग का लास्ट बंदा होगा, क्योंकि दो बंदे नॉक हो चुके थे, एक ही बचा होगा क्योंकि तीन बंदे टोटल लड़ाई थे। बट वहाँ पे इन लोग का तीसरा बंदा नहीं था, इन लोग का तीसरा बंदा अलग ही लेवल का बंदा था। तो उसने टाइटन सेफ को मतलब हमारे नंबर दो को नॉक किया, तो उधर उसने माफ करके बट उसने सामने वाले पत्थर में मार दिया, बल्कि वो था उसके पीछे वाले, जैसे कि नंबर थ्री वहाँ पे था तो उसने मार दिया। तो ये हमारी आइडिया गाइस पॉपुलैरिटी के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।